पापड़ी चाट प्लेटर, पापड़ी चाट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस एंड इम्प्रेस विद रानी में आपका स्वागत है। आज की जो रेसिपी है ये बहुत पुरानी रेसिपी है पर न्यू वर्जन में। इसे हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, तो आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने दही ले लिया है। इस दही का मैंने सारा पानी निकाल दिया था और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। उसे हम एक प्लेट में बहुत ही अच्छे तरीके से फैलाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड वाले आलू ले लिए हैं और इसके बाद मैं इसमें खजूर और इमली की मीठी चटनी डाल रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से डालिएगा आप। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, आप इसमें चाहें तो कॉर्न ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला इसमें धनिया पत्ती और यह बारीक वाला सेव। ये है हमारी होममेड बनी पापड़ी। इसे मैंने घर पर ही बनाया है मैदे से। अब इस तरह से हम इसे प्लेट के साइड में कॉर्नर में रख देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है पापड़ी चाट बनाने का। इससे पहले हम पापड़ी रखते थे, उसके ऊपर आलू, फिर दही, फिर चटनी। बहुत पुराना वर्जन था, ये नया वर्जन है। आप इसमें बहुत ही इजी तरीके से और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं इसे, और ये खाने में भी बहुत इजी होता है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्ची, थोड़ा सा चाट मसाला और बहुत ही लाइट सा नमक। अब हमारी प्लेट तैयार है। तो प्लीज़ जब भी आप किटी पार्टी करें या दिवाली पार्टी करें तो आप ये स्नैक्स ज़रूर बनाएं, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।